तैयारी कर लो रामनवमी की, क्योंकि हमें मंदिर में भीड़ और सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथों में भगवा और जुबान पर जय श्री राम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे बच्चे बहुत सारे हैं, खेल रहे हैं तो बहुत शोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनकी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा और मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे कन्याओं को मतलब देने के लिए कड़े खरीद के लाई हूँ, जो कि छोटे बड़े सारे साइज मिक्स करके लाई हूँ, वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और साथ में ये बाकी चीज़ें भी आप कन्याओं को गिफ्ट कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें तन्नू के लिए आई हैं, जो कि उनकी मामी लेके आई हुई हैं। दोनों लोग छुंदर छुंदर लग रहे हो, प्यारे प्यारे था। मिठी दो एक दूसरे को, मिठी दो दीदी दीदी को दो। अरे भाई, अरे भाई, चलो अब कन्या खाएंगे ना दोनों। यहाँ में भैया भाभी दोनों 9 दिन के फास्ट हैं, जो कि सबसे छोटे हैं, मेरे से बड़े हैं बट हाँ घर में सबसे छोटे हैं। और ये दोनों हस्बैंड वाइफ लोग 9 दिन का फास्ट हैं, यहाँ पे मस्ती कर रहा भाई। और अष्टमी के दिन ही हवन करवा दिया गया और कन्या को भी हम लोग खिला दिए, क्योंकि नवमी के दिन कन्याएं जल्दी मिलती नहीं हैं और अच्छे से खाती पीती नहीं हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये हुआ कि हम अष्टमी को ही कर देंगे। पंडित जी को बुलाया गया और उनसे पूछा गया, तो वो बोले कोई नहीं, आप अष्टमी में भी हवन कर सकते हो और कन्याओं को खिला भी सकते हो। तो यहाँ पे 8 कन्या हैं और 1 लांगूर है, और एक हम लोगों ने 1 कन्या के लिए निकाल के अलग से रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे 8 कन्या हम लोगों को मिली थी। तो यहाँ पे हम लोगों ने अष्टमी के दिन ही कन्याओं को खिला दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो लाडो को रेडी करने जा रही हूँ। कल हम और लाडो एक जैसा ड्रेस डाले हुए थे, ये देखिए, एक जैसी पैंट और एक जैसा टॉप, और आज भी मैंने कुछ ऐसा ही निकाला हुआ है। ये हम डुगू के साथ खरीदे। हाँ, डुगू आपके लिए गिफ्ट लाया था, इसको याद है? नहीं, ये मैंने खरीदा। और ये तन्नु आज इसको फर्स्ट टाइम अभी डालेंगी, और आज तन्नु जाएगी कन्या खाने के लिए। और आज है नवमी और बड़े भाई की पूजा, बड़े भाई के घर पूजा हो रही है, तो वहाँ जा रही है ये कन्या खाने के लिए। छोटे भाई का पहले ही हो चुका ऑलरेडी, आप लोगों ने ब्लॉग देख चुका है। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनको मैं रेडी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ वीडियो थोड़ी सी शेयर की जाए। तो चलिए इनको तैयार कर देते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और आज इनके लिए मैंने ये डाला हुआ निकाला हुआ है, और मैंने अपने लिए भी इसी कलर का निकाला हुआ, सेम है ना। मम्मा बेटू सेम कपड़े पहनेंगे, एक जैसा। मम्मा ये आपका है? हाँ, ये मम्मा का है, मम्मा का और ये मेरा है। हाँ बिल्कुल, तो चलो होल्ड करो। मेरी बेटी को ना रेडी होने में बड़ी मज़ा आती है, बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं कराती, हाँ बट हाँ इनको कंघी कराने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मेकअप भरपूर भी करवा लेंगी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है इनका, लेकिन हाँ इनको कंघी करने में इनको बालों से बड़ी दिक्कत है। बोलती है मम्मा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो किसी तरीके से फ़िलहाल मैंने कंघी कर दिया है यहाँ पर। और ये हेयर रबड़ भी इनका जो है, इनकी मामी लेके आई थी इसी गिफ्ट के साथ था। तो तन्नु को तो यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे मैं घर में सबसे छोटी हूँ, वैसे तन्नु भी यहाँ पे सबसे छोटी है और लड़कियों में अकेले है, तो इसलिए। और लड़कियों के लिए तो बहुत सारे गिफ्ट आइटम होते हैं, जो कि मतलब इनके लिए लेके आए हुए हैं इनकी मामी नानी। तो मामी भी कई सारी हैं, मामा भी कई सारे हैं, तो सभी लोग मिल के ले आते हैं।
जिससे तनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, एक्साइटेड हो जाती है। बट हाँ, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। इनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से मतलब नहीं रहता है। इनको बहुत ज़्यादा ना टॉयस ही पसंद है, कुछ नहीं। हाँ, इनको कलर बहुत पसंद है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हैं उसको, उससे कलर वगैरह करती हैं, वो सारी चीज़ें पसंद है। बट ना ड्रेस से ना चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता इनको। तो मैं यहाँ पे इनको कन्या खाने जाने के लिए रेडी कर रही हूँ। बड़े भाई के घर जाएंगी सबसे पहले ये कन्या खाने के लिए। तो यहाँ पे ये जितना ही रेडी होंगी उतनी बार पूछेंगी, मम्मा मैं कैसी लग रही हूँ। जब बोल दो कि आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, तो खुश हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं काला टीका लगा रही हूँ। मेकअप में मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ की हूँ, हल्का सा मॉइस्चराइज़र, फिर उसके बाद पाउडर लगा दिया, लूज़ पाउडर लगा दीजिए। फिर यहाँ पे काला टीका ज़रूर लगाइए बच्चों को, जिससे नज़र नहीं लगती है। और मैं पूरी आँखों में काजल नहीं लगाती हूँ, साइड साइड से लगाती हूँ बाहर से, वो भी ब्रांडेड, ताकि बच्चे के आँख को नुकसान ना करे। और ओठों पे मैंने लिप गार्ड लगा दिया, और कुछ भी यहाँ पे मेकअप का मैंने नहीं यूज़ किया हुआ है। और हाँ, लास्ट में रेड कलर के सिंदूर से या अंगूर से, जिसको बोलते हैं, उससे आप टीका लगा दो, बस फाइनल, यहाँ पे रेडी। तो चलो अब कन्या खाने के लिए चलते हैं। अच्छे लग रहे हो तनु, अच्छे लग रहे हो। थैंक यू बोलो। थैंक यू। थैंक यू। अब आप जा रहे हो कन्या खाने? तो कन्या खाने जाएगा। ओके चलो, तो चलिए अब इनको भेज देते हैं कन्या खाने के लिए, और हम भी रेडी हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं। ठीक है, चलो लाओ। तो तनीषु पहुंच गई कन्या खाने के लिए। सबसे पहले इनका पांव धुला गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आलता लगाया जा रहा है। ऐसे ही हर घर में होता है कन्या पूजन, तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। और उसके बाद यहाँ पे पहले इनकी पूजा होगी, इनकी आरती होगी, फिर इनको कुछ खाने पीने के लिए दिया जाएगा, मतलब भोग। जैसे माता रानी की पूजा होती है, वैसे कन्या लोगों की भी पूजा होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैर धुला गया, फिर आलता लगाया गया, फिर उसके बाद इनकी आरती उतारी गई, फिर इनके लिए भोग लगाया गया। बैठो बैठो, दीदी भी बैठ रही, बैठ जाओ बैठ जाओ। अच्छा बाबू ना, बैठो बैठ जाओ। तनु देखो इधर, पानी चाहिए? तीखा है क्या? आज का दिन भी निकल गया यहाँ पे, और कैसे निकल रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है टाइम रेस की तरह भाग रहा है। और तनु आज कन्या वन्या खा ली है अच्छे से, सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया। तो अभी है रात का समय, रात के 10:30 बज रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग का एंड कर दिया जाए। तो आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गुड नाइट आप सभी लोगों को, हम मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।